2024 जिस तरीके से नीट में 24 लाख बच्चे अपियर हुए और उसमें से 13 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जिसमें से 1,08,000 बच्चों को सीट मिल रहा है, और डिमांड और सप्लाई के गैप को किस तरीके से एमबीबीएस अब्रॉड अपने आप को कहने वाले काउंसलर या एजेंट या कंसल्टेंट बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। हर बच्चे का ड्रीम होता है कि एमबीबीएस पढ़ाई करे, और मेरे यहाँ एक बहुत बेहतर कहानी है और काफी प्रचलित कहानी है। जब बच्चा पैदा होता है तो फादर सोचता है इंजीनियर हो, और बेटी पैदा होती है तो उस चाहता है कि ये डॉक्टर हो। ये मिथ आज के डेट में टूट रहा है, बेटा और बेटी दोनों डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। लेकिन 2021 के पहले के एमबीबीएस अब्रॉड का सिनेरियो कुछ और था, 2021 के बाद अब्रॉड की सिनेरियो कुछ और हुआ है, और दोनों के जो बीच का गैप है, इस गैप को फायदा उठाते हुए कई ऐसे कंसल्टेंट और कई ऐसे काउंसलर बच्चे और पेरेंट्स को इस कदर कंफ्यूज कर दे रहे हैं जिससे वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। तो आज के इस होपकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इस होपकास्ट में हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया के एजुकेशन टाइम्स में एक आर्टिकल छपा जो जॉर्जिया के ऊपर छपा हुआ है। आर्टिकल्स में बहुत सारी बातों को क्लियरिटी से लिखा गया है, और हम आगे चल के ये भी बात करेंगे कि पेड आर्टिकल, एडवर्टाइजमेंट और एक रिसर्च बेस्ड आर्टिकल, तीनों में फर्क क्या होता है। और इस टॉपिक पे आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, बहुत बेबाकी से अपने बात रखने के लिए, और इस पे उनके कई तरह के वीडियोज भी पहले बन चुके हैं, तो मैंने सोचा कि जॉर्जिया के ऊपर क्यों ना उनसे डायरेक्ट बात किया जाए, कहीं पे मुझे भी जो डाउट है वो क्लियर करें और आपके मन में भी जो डाउट हो उसको क्लियर करें। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, जाने माने काउंसलर हैं, गेट माई यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, और तमाम तरह के कोशिश करते हैं कि बच्चों के फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको रोका जा सके, और जो जेन्युइन काउंसलिंग है या इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट्स और बच्चों तक पहुंचाया जा सके। तो आइए हम स्वागत करते हैं मिस्टर अनुज गोयल को, जो फाउंडर है गेट माई यूनिवर्सिटी। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। तो सवाल कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे खत्म करूं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सामने आप बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपके ऊपर ही बोलता हूँ, कई लोगों से जब मैं बात कर रहा था कि मैं अनुज जी के साथ आज पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, तो लोगों का कहना था कि भाई अनुज जी तो अपना जो प्रोडक्ट बेचना रहता है उसके बारे में ही बात करते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि अनुज जी तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को प्रमोट करते हैं, इसलिए दूसरे कंट्री के ऊपर बहुत तरह के बुराइयां बताते हैं, बहुत तरह की अपनी कहानियां सुनाते हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है, फिर आगे जॉर्जिया के रूल्स, रेगुलेशन, एडवाइजरी, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सर देखिए, क्या होता है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एंड नेचुरली हर किसी को अपना पूरा राइट है अपने एक्सप्रेशंस को अच्छे से अभिव्यक्त करने का, तो कोई दिक्कत नहीं है, एवरी वन इज बाउंड। और यहाँ किसी से हमारा कोई लड़ाई भी नहीं है, ना हमारी किसी से कोई यू नो ईविल स्पिरिट है, नथिंग लाइक दैट। बट होता क्या है, जब चीजें सामने दिखती हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी कोच यू नो वी आर पुशिंग अवर सेल्फ टुवर्ड्स दिस थिंग, राइट। बट कई बार क्या होता है, जब चीजें दिखती हैं, अभी क्या होता है ना, जो हर साल नया बच्चा यू नो आता है, 2024 में जैसे सेट ऑफ न्यू स्टूडेंट थे, इसमें न्यू थे, आगे वाले बच्चे को पुराने वाले बच्चों का पेन का पता नहीं होता, 2023 वालों को 22 वालों का नहीं पता था। बट क्योंकि हम इस फील्ड में काफी सालों से हैं, तो हमें ये भी पता है कि 20 वाले का क्या इशू था, 21 में कैसे कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो हम यू नो उस चीज को जानते हैं, राइट। ये पूरी प्रॉब्लम आई थिंक शुरू हुई थी जब नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक गैजेट निकाला, जिसे भारत का राजपत्र भी बोलते हैं, जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो भी बच्चे ओवरसीज एजुकेशन, अब्रॉड एजुकेशन करने जाना चाहते हैं, उनको सेट ऑफ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। अब मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि इस गैजेट की क्या मोटिवेशन थी, नहीं थी, समहाउ द मैटर ऑफ द फैक्ट इज वो गैजेट ऑफ इंडिया, एनएमसी ने गैजेट निकाला, एंड दैट इज बाउंड फॉर एवरी एप्लीकेंट। उस गैजेट में डेफिनेटली कई सारी ऐसी चीजें थी जो प्राइम फेसी शो करती हैं कि वो नहीं चाहते, हमारे भारत सरकार नहीं चाहती हमारे बच्चे बहुत ज्यादा बाहर अब्रॉड के लिए पढ़ाई करना चाहें, राइट। इसीलिए कुछ ऐसी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस उनके अंदर लगाएं, जैसे कि आपको जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन है वो यही है कि आपको किसी भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं वहां का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लेके आना है। इस पे जो सबसे पहले हमारा सवाल था वो यही था कि आप किसी बच्चे को पढ़ने जा रहा है, वो वहां प्रैक्टिस करने नहीं जा रहा, तो आप वहां का लाइसेंस क्यों मांगते हैं। नेचुरली एक ऐसा एरिया है कि कोई भी कंट्री अपने देश में फॉरेन नेशनल को भी मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं करेंगे। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया था,
चैलेंजिंग द एफएमजीएल रेगुलेशन, क्योंकि इस पूरे गैजेट के माध्यम से आप जानेंगे कि करीब 15,000 फिलीपींस के बच्चे भी 2021 में इंपैक्ट हुए थे और इतनी बुरी तरह से इंपैक्ट हुए थे जिसको उन्होंने एनएमसी ने रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में इंप्लीमेंट किया था। एनएमसी के पास हमने काफी स्ट्राइक भी किया था, प्रोटेस्ट भी किया था और फिर मैटर ऑफ द फैक्ट ये हुआ कि एनएमसी सुप्रीम कोर्ट चली गई, साइलेंटली चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने उस गैजेट को विदहोल्ड कर दिया। तो ये जो भी हुआ इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो 2020 और 21 में पढ़ने गए थे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई और काफी उन्हें अपनी एजुकेशन बीच में छोड़नी पड़ गई, राइट। और हमने जो बच्चों का परेशानी देखी, जो उनकी हमने व्यथा देखी, 15-15 लाख लगा के, तो कहीं ना कहीं एक आदमी को लगा, हमें भी लगा कि यार इस चीज के बारे में हमें एजुकेशन देनी चाहिए। और फाइनली जो कोर्ट केस भी हमने लड़े तो हमने समझ में आ गया कि चीजें इतनी अच्छी है नहीं जिस तरह से कोर्ट में की जा रही है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे आपने बोला कि ये जॉर्जिया का, या कुछ लोग कहते हैं हम इंडिया करते हैं, या ऐसा नहीं है सर, हम भी अब्रॉड करते हैं, जॉर्जिया में हमारे भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अच्छी तरह से पढ़ते हैं, कई हैं जो वापस लौट के भी आए हैं, बट ये वो स्टूडेंट हैं जो 2021 से पहले एडमिशन लिए थे जिन पे एफएमजीएल कंडीशंस इंप्लाइड नहीं होती थी, वो सीआरएमआई कंडीशंस के अंदर, वो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन, स्क्रीनिंग टेस्ट, तो उन पे कोई अंतर नहीं पड़ता था। आज की डेट में कंडीशन बिल्कुल चेंज हो गई, राइट। अपना परसेप्शन है लोगों का, सिर्फ बात यही है कि हम बोलते हैं, हम एफर्ट लगाते हैं, हमें लगता है कि बच्चों को, और हम सिर्फ क्वेश्चन रखते हैं, हम अपना जजमेंट नहीं देते, हम कहते हैं भाई सिंपल सा सवाल है कि हमें लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस मिल रहा है तो कहाँ मिल रहा है, कौन सी सिचुएशन, कौन सी जगह पे मिल रहा है जॉर्जिया के अंदर, ये आप बता दें। बस इसी सवाल का जवाब पिछले 2 साल से मिल नहीं रहा और घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से कैमोफ्लॉजिंग और पॉस्चरिंग की जा रही है और बच्चों को अननेसेसरी रिक्रूट किया जा रहा है, जो हमें लगता है गलत है। अगर आपकी कोई भी कंडीशन है आप सीधी सीधी तरीके से बताएं, बच्चों को एजुकेट करें, राइट, मैन्युपुलेट ना करें। क्योंकि आप ये भी समझिए, नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2023 में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलर्ट दिया था, राइट, आप अलर्ट दिखा सकते हैं, और उन्होंने क्लियरली लिखा था कि देर आर couple of countries या universities जो हमारे conditions को internship, curriculum, license etc. की conditions को fully comply नहीं करता, और अगर कोई university हमारी condition को fully comply नहीं करता FMGL की, उसको हम क्या में allopathy की permission नहीं देंगे practice करने की, ही degree will be invalid with respect to India, right? और उसकी जिम्मेदारी भी बच्चे की होगी। है क्या हम आज की डेट में ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जो भी फेलो कंसल्टेंट कर रहे हैं कि जहां आज वो बच्चा चला जाए और कल को वो वापस आने की कंडीशन में ना रहे, शायद हमारी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, इसीलिए हम उस चीज को बार बार एजुकेट कर। ठीक है, आपने जो कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक अलर्ट जारी किया था, लेकिन 22 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के डिविजन बेंच ने भी इसके ऊपर सेम चीज बोला है कि अगर आप एफएमजीएल को फुलफिल नहीं करते हैं तो आप जहां पे आपको अच्छा लगा था पढ़ना तो वहीं पे जाके काम कर लीजिए, वापस आएंगे तो आपको हम लाइसेंस में नहीं देंगे या एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं देंगे। अब अचानक आपका एक वीडियो कुछ दिन पहले आता है, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का जिक्र है, उसमें कुछ एग्रीमेंट्स के कॉपी भी हैं, आपके यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसको कई ग्रुप में शेयर किया गया, एक तो ऐसे ग्रुप में जहां मैं भी हूं, मैं खुद शेयर किया था तकरीबन, उसमें जॉर्जिया के मेरे जो मैं जानता हूँ 40+ कंसल्टेंट है जो अपने आप को वहां के मेन स्ट्रीम कंसल्टेंसी में आते हैं, उनसे सवाल पूछा गया था कि वीडियो को अगर आप कहीं पे इस पे क्वेश्चन कर सके या इसके अगेंस्ट में या फेवर में कुछ बोलना चाहें तो आप बोलिए, कोई आया नहीं। आपको ऐसा क्या जरूरत पड़ गया अचानक कि आप एक एग्रीमेंट शेयर करते हुए एक वीडियो बनाते हैं जॉर्जिया के ऊपर और उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के उस आर्टिकल को मेंशन करते हैं जो हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के एजुकेशन टाइम्स में छपा था? सर देखिए, ये पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी हमने 4 या 5 और 2022 में भी बनाया, 23 में भी बनाया, 24 में भी बनाया है, और सवाल एक ही रखा है। इनफैक्ट ये तो एक एक्सटेंशन है उस पूरी सीरीज का, राइट, जहाँ जो हम बोलते आ रहे हैं कहीं ना कहीं जब उन लोगों ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया विच इज द मोस्ट रेप्यूटेड पब्लिकेशन ऑफ दिस कंट्री, they have their independent sources, they have their independent research team, जो कोई भी चीज ऐसी नहीं छापते कि ultimately उनकी credibility है market के अंदर, right? आज की date में millions of people, right, they are subscribed to Times of India, right? So research, independent research की, हाँ, हमसे जो they have asked for something, we have furnished them particular that thing, right?
पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक्सटेंशन यही था बच्चों को बताने का कि सी दिस इज नॉट अवर इंडिविजुअल पेन, ये हम अकेले नहीं बोल रहे, दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेशनल पब्लिकेशन ऑफ द इंडिया, जिसको शायद करोड़ों करोड़ों लोग पढ़ते हैं। एग्रीमेंट की जहां तक आपने बात करी, कई बार लोग कहते हैं कि आपका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, आप बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। हम अभी भी बोलते हैं कि अगर चलो बच्चे को या किसी भी पेरेंट को अगर आपको जरा सा भी लगता है कि कहीं ना कहीं स्टिल आप कंफ्यूजन में हैं, आप जा किसके किसकी अश्योरेंस पे रहे, आप जा अपने काउंसलर की अश्योरेंस पे रहे हैं जो आपको बोल रहा है सब कुछ चल रहा है, आप 6 साल जाइए, 6 साल के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और आपका 6 साल बाद बच्चा FMGL की परीक्षा लिख सकता है, राइट। अश्योरेंस पे जा रहे हैं, राइट। NMC क्लियर बोल चुका है, NMC जिम्मेदारी लेगा नहीं, एम्बेसी जिम्मेदारी लेगी नहीं, तो जिम्मेदारी देगा कौन इस पूरे पर्सपेक्टिव के अंदर, आपको मोटिवेट कौन कर रहा है और आपको वो दिशा कौन दिखा रहा है, राइट। तो मेरा सिंपल सा पर्सपेक्टिव ये था कि ये जो एग्रीमेंट है बहुत सिंपल भाषा में है, आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा, आपके साल तो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम आप सामने वाले की गट्स को देखिए, जो एजेंट आपको काउंसलर आपको ओपनली बोल रहा है कि आई बाओ, आई हैव द कॉन्फिडेंस, मेरे पास फैक्ट्स हैं, प्रूफ है, तो आप एक बार बोल सकते हैं कि सर आप सिंपल लिख दो कि हाँ भाई, और उसमें बहुत सिंपल है कि सर 6 साल में मेरी MBBS हो जाएगी, मुझे लाइसेंस के लिए कोई एडमिशन नहीं करना पड़ेगा, मेरे को क्वालिफिकेशन नहीं लेनी पड़ेगी, और अगर फाइनली अगर आप गलत बोल रहे हो तो ये समझ के आज की डेट में कि मेरी जो फाइनेंशियल लॉस होगा उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी, तो इसमें आप नहीं रहे, यही तो कह रहे हैं कि जो आप बोल रहे हो आप कागज में लिख के दे दो। तो इसमें मुझे लगता है कि ये एक स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक आई ओपनर होगा जब वो अपने काउंसलर के पास जाएंगे और बोलेंगे सर जो आप बोल रहे हो ये है, इसको आप एक 100 रुपए के जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे दो, तब आपको पता चलेगा ना कि अगर उस और आपने ये काम बहुत अच्छा किया कि उसमें पेरेंट्स को कहीं जाना भी नहीं है, किसी वकील के पास भी नहीं जाना है एग्रीमेंट बनवाने के लिए, एग्रीमेंट का पूरा एक फॉर्मेट है, उसमें सिर्फ नाम, उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसके काउंसलर, मैं तो चाहूंगा काउंसलर का नाम नहीं होना चाहिए, उस कंपनी का ऑनर क्या है, ऑनर का पासपोर्ट की कॉपी भी उसमें अटेस्ट होना चाहिए, ये मैं इसको ऐड कर, चूंकि काउंसलर तो नौकरी में रहते हैं, वो आते रहते हैं जाते रहते हैं, ऑनर ऑनर का जो पासपोर्ट है उसको भी लगना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं आर्टिकल के ऊपर बात कर रहा था और कई लोगों से टाइम्स ऑफ इंडिया में जब मैं इसके बातें कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इंडिया के कई ऐसे कंसल्टेंट ने टाइम्स ऑफ इंडिया के दफ्तर में मेल किया है और उन्होंने ये कहा कि आपने गलत इंफॉर्मेशन को छाप दिया है, ये पेड न्यूज है, एडवर्टाइजमेंट है, आपको इससे बचना चाहिए। क्या इस तरीके के आपके पास भी खबरें आई है क्या? देखिए मैंने फिर बोला, जब आपकी ये ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल है, राइट, जहां एक चीज को फैक्ट फिगर्स के साथ प्रेजेंट किया गया है, नेचुरल सी बात है जिस आदमी का बिजनेस इंटरेस्ट क्लैश करेगा उसको इस पूरे प्रोसेस में इरिटेशन तो बहुत ज्यादा होगी, राइट। प्रॉब्लम या इरिटेट होने की नहीं है, प्रॉब्लम अल्टीमेटली यहां पे स्टूडेंट्स के, हमारे देश के स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट की है, राइट। भाई आज आपको बच्चा जाता हुआ दिख रहा है, जब बच्चा आपसे सवाल कर रहा है और आप जवाब, भाई इरिटेशन किस बात की है, अगर आपने कुछ किया तो आप जवाब दो, अगर वो मांग रहा है तो आप उसे लिखित में दे दो, इसमें कोई बुरा मानने वाली मानने वाली तो बात ही नहीं आती है, राइट। बिल्कुल। तो सर इसमें जहां तक आपने बोला कि किसी ने लिखा, क्या लिखा, देखिए वो ये अपनी आई थिंक इरिटेशन उतारने वाली बात है, इसके पीछे कोई सब्सटेंस नहीं है, इसके पीछे कोई वैलिडिटी नहीं है, राइट। और ये वही लोग है सर, ये वही लोग हैं, इनका मैं आपको बताऊं, ये जो इस टाइप के जो लोग है ना, जो आज तो बच्चे को हायर कर लेते हैं, रिक्रूट कर लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, और कितने एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, क्योंकि बच्चों के कॉल्स हमारे पास भी आते हैं, जो कहते हैं कि सर हमने पैसा दे दिया, उसके बाद जब हमने अपने काउंसलर से पूछा कि अरे FMGL रूल तो फुलफिल नहीं करता, तो कहते हैं हमारा काम आपको रूल बताना थोड़ना है, हमारा काम तो एडमिशन कराने का था, हमने एडमिशन करा दिया, वीजा लगाने का था हमने, रूल पढ़ना तो आपकी जिम्मेदारी है, ये तो भारत सरकार का। ये बात मुझसे भी कई बच्चों ने बताया, कई पेरेंट्स ने बताया। बच्चे कहते हैं कि सर उस समय तो आप कह रहे थे हमारे शहरों में सेमिनार लगा लगा के कि ये भी है, ऐसा भी है, वैसा भी, आप कह रहे हैं जी ये तो आपकी जिम्मेदारी है, तो भाई ये चीज गलत है। अगर हमारी जिम्मेदारी है तो हम तो यही बच्चों से कहेंगे आप जाइए और अपना एफिडेविट साइन कराइए, उनका कॉन्फिडेंस तो देखिए। मैं आपको वेट करके बोल सकता हूँ आज अपनी चेयर पे, 100 में से अगर एक भी इस एडवाइजरी को या इस एफिडेविट को साइन कर देगा मैं मान जाऊंगा, क्योंकि इंटरनली जो भी काउंसलर जॉर्जिया बेच रहा है वो भी 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज की गारंटी नहीं ले सकता, और जहां उसके फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे कि कल को अगर कुछ हो गया तो मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगी,
वो निकल लेगा, वो कहेगा यार ऐसा थोड़ा। नहीं वो तो 3 दिन पहले जब ग्रुप में से एक आपका वीडियो शेयर हुआ था, मैंने ही लिखा कि जॉर्जिया का जो कंसल्टेंट है अपनी ओपिनियन दे इस पे। जब कंसल्टेंट के ग्रुप में जिसमें तकरीबन 300 प्लस अच्छे कंसल्टेंट है उसमें, वो वहां पे अगर नहीं दे पाए तो मुझे नहीं लगता कि बंद कमरे में क्या काउंसलिंग करते होंगे और क्या बच्चों को एडवाइस करते होंगे। खैर, आपसे मैं इस पे चर्चा होते रहेगी, टाइम्स ऑफ इंडिया भी आएगा, कंसल्टेंट भी आएगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक जो MBBS अब्रॉड करने के लिए जो बच्चे जाते हैं, जो मैक्सिमम जो बच्चे या पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, वो या तो लोअर मिडिल क्लास के होते हैं मैक्सिमम, या छोटे छोटे शहरों के होते हैं, या कस्बे के होते हैं, ब्लॉक लेवल के होते हैं, गांव के होते हैं, जिनके पेरेंट्स को न FMGL के बारे में पता होता है, न कॉलेज के करिकुलम के बारे में पता है, न इंटर्नशिप के बारे में पता है, न लाइसेंस के एग्जामिनेशन के बारे में पता है। अगर आपको मैं बोलूं कि उन पेरेंट्स के लिए जॉर्जिया का प्रॉब्लम क्या है और FMGL और जॉर्जियन लॉ में कहां पे कंफ्लिक्ट है, अगर ले मैन की तरह अगर किसी को समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगे? सर, इस पूरे जो जॉर्जिया का पूरा सिनारियो है, इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं है, इसका बहुत सिंपल आंसर है, राइट? जिसको अगेन एंड अगेन कॉम्प्लिकेट किया जाता है। पहली बात तो जो भारत सरकार चाहती है, वो चाहती है कि जिस भी देश में आप जा रहे हैं वहां से आपको मेडिसिन प्रैक्टिस करने का लाइसेंस लाना है। आप उस देश में भी मेडिसिन प्रैक्टिस करने की काबिलियत होनी चाहिए, आपके काबिलियत नहीं लाइसेंस होना चाहिए, राइट? अगर आप करें या ना करें वो बात की बात है, प्रैक्टिस, लेकिन आपके पास वो लाइसेंस होना चाहिए जो आपको इक्विप करता है उस देश में प्रैक्टिस करने का, राइट? बच्चों को भी दिया जाता है, राइट? सेम लाइसेंस होना चाहिए, और ये कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, ये एनी कंट्री एंड एवरी कंट्री स्पेसिफिक है, ठीक है? और आप ये समझिए कि हर कंट्री में इसके रिपरकशंस आए हैं, राइट? फिलीपींस में भी आपने देखा रिपरकशंस आए हैं, क्योंकि वहां लाइसेंसिंग एग्जाम देने की परमिशन है ही नहीं उन कंट्री के बच्चों को जिनसे उनका रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है। यही रीजन है कि 2 साल से फिलीपींस बच्चा नहीं गया, राइट? एक पोटेंशियल कंट्री थी जहां वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट जाते थे। यही कंडीशन है कि चाइना में आज के डेट में प्रॉब्लम आते हैं कि लाइसेंसिंग एग्जाम चाइनीज लैंग्वेज में होता है, तो बच्चों को ये अप्रिहेंशन है कि चाइनीज लैंग्वेज इज वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज, मैंडरिन हम पास कर पाएंगे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज के डेट में जो भी लोग जॉर्जिया सेल कर रहे हैं ना, वो इसी डेफिनेशन पे बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, प्राइमरी कंफ्यूजन यही पैदा करते हैं। लाइसेंस नहीं चाहिए आपको, तो सिर्फ रजिस्टर्ड होना है बॉडी के साथ, और यहाँ पे तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 6 साल बाद आपको रजिस्ट्रेशन दे तो रही है, लोकल बच्चे को भी दे रही है। आप मुझे बताइए जॉर्जिया का रूल क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आप मेडिकल एक्ट ऑफ जॉर्जिया पढ़िए आप, और एक सिनारियो सब देखिए, किसी भी कंट्री का एक मेडिकल एक्ट होता है जो उसका संविधान होता है, जैसे हमारा NMC एक्ट 54 है, राइट? क्लियरली मेंशन है कि ग्रांट टू लाइसेंस टू इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस इस कंट्री में कब दिया जाता है, ठीक है? वो प्रैक्टिस कब दिया जाता है, जब एक बच्चा अपनी MBBS अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन जिसे वहां MD बोलते हैं वो पूरी करता है, उसके बाद उसे NPDQLE का एग्जाम देना पड़ता है जो जॉर्जियन लैंग्वेज में एग्जाम होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन फिर आप PG प्रोग्राम में एनरोल करते हैं जिसकी ड्यूरेशन वेरी करती है 3 to 5 years, डिपेंड ऑन द स्पेशलाइजेशन यू ऑप्ट फॉर। के बाद वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है, जिसे इंटरनली डिस्प्लेस्ड कोई बोलते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आपको लाइसेंस देती है अपनी कंट्री में प्रैक्टिस करने का। ये सीधा फंडा है। अब लोगों को, बच्चों को ये कंफ्यूज किया जाता है या बार बार घुमाया जाता है कि 6 साल बाद आपकी डिग्री रजिस्टर की जाती है। व्हाट इज रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन इज नॉट लाइसेंस, वो है आपकी डिग्री को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम डिग्री को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो तो कोई भी कंट्री रिकॉग्नाइज करती है। इट इज नॉट नहीं, वो इनरोलमेंट को तो कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं समझते, जैसे CBSE में हर यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट होता है। आपकी डिग्री को हम रिकॉग्नाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अरे वो तो यहाँ पे भी करती है, वो तो किसी भी चाइना में भी आपको डिग्री मिलती है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है, लाइसेंस कौन देता है? बिल्कुल, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। एजुकेशन 6 साल हो रहा है एट पार विद लोकल सिटीजन, और भाई उसमें लिखा है गैजेट में रजिस्ट्रेशन। अरे भाई सीधा कॉन्सेप्ट ये है, उस रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन ये मतलब नहीं। अगर यही मतलब होता तो बच्चे चाइना, फिलीपींस, बांग्लादेश ने जो कंडीशन दी या जो बाकी कंट्रीज की जो प्रॉब्लम एरियाज है, वो रशिया ने बोला कि 6 साल बाद ये होता है, गेटिंग अ पॉइंट। तो प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ यही है कि लाइसेंस मिलता कब है। और आप ये समझिए, आप किसी का भी पर्सपेक्टिव से कंफ्यूज मत होइए, आप हमारे हेल्थ मिनिस्टर का भाषण सुन लीजिए जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया। उन्होंने सीधा ये बोला, बहुत शुद्ध हिंदी, खाटी हिंदी में बोला, हमारे देश के बच्चे दूसरे देश में चले जाते हैं,
वहां उनको नर्सिंग की नर्सिंग की डिग्री। डिग्री या उनको सब स्टैंडर्ड एजुकेशन दी जाती है, और फिर वहां उनको आधा अधूरा पढ़ा के हमारे देश में छोड़ दिया जाता है। यही वर्ड है उनके, छोड़ दिया जाता है। हाँ, मतलब उनका नर्सिंग की डिग्री नहीं, नर्सिंग के जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है उससे भी कमजोर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग देके एजुकेशन। बच्चों को मैं भेज ये दिया नहीं कह रहा जाता कि हर जगह की एजुकेशन अच्छी नहीं है, बट ये एक जनरल उनका वर्ड्स थे। तो जो देश अपने देश में हमारे बच्चों को अपने देश में अगर प्रैक्टिस नहीं है। करवा सकता, तो वो कैसे अपेक्षा रखता है कि वो बच्चे हमारे देश में पेशेंट्स को देखें? सिंपल। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। यू नीड टू गेट द लाइसेंस, वो लाइसेंस वहां मिलता है, जरूर है। देखो, कोई ये नहीं कह रहा कि जॉर्जिया की डिग्री इनवैलिड है, ये गलत है। जॉर्जिया में इनवैलिडिटी कुछ नहीं है, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो स्ट्रिंजेंट है, क्योंकि इसमें एक बड़ी कंडीशन ये भी है, पीजी की सीट किसी भी कंट्री में जो होती है वो उस कंट्री के हेल्थ सिनारियों के हिसाब से होती है, हॉस्पिटल्स के हिसाब से होती है। ऐसा नहीं है यूजी में तो आपने चलो एक कॉलेज में 500-700 बच्चे ले लिए, राइट? पर पीजी की कैसे करोगे? पीजी की सीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? अच्छा, कैसे इंश्योर करेगा कि वहां पे पीजी में चले जाएंगे? नहीं हो पाएगा, वो भी जॉर्जियन लैंग्वेज में एग्जाम देना है। तो कहीं ना कहीं 6 साल में बच्चा ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा जहां वो स्टक अप हो जाएगा, राइट? आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी इस वीडियो के बाद मेरे पास कम से कम नहीं तो ऐसे 20 बच्चों के फोन आए जो जॉर्जिया में पढ़ रहे हैं। पहले भी कई हैं जो वापस आ चुके हैं, एंड दे आर इन अ सिचुएशन कि सर इसमें हम तो 2 साल से पढ़ रहे हैं, और ये सवाल वो अपने कंसल्टेंट से बार बार पूछ रहे हैं, बट वो जवाब देता है, पता है वो क्या बोलते हैं उनके कंसल्टेंट एडमिशन कराने के बाद? वो कहते हैं, बेटा क्या रखा है इंडिया में आने में? पर्सपेक्टिव ही चेंज, नैरेटिव ही चेंज, क्योंकि वहां जाके बच्चों को नॉलेज हो गई, वहां जाके उनको क्लैरिटी मिल गई, यहाँ पे तो आप कुछ भी करके भेज दिए एक बार। अब कहते हैं यार कुछ नहीं रखा इंडिया में, पीजी की सीटी कहाँ है? आप यूएसएमएल के लिए ट्राई करो, दैट इज द लाइफ, वो लाइफस्टाइल है, वो गोल, करियर गोल होना चाहिए। आप प्लैब जाओ, आप एएमसी जाओ। मैंने अब बच्चे के अब बच्चे मेरे से पूछते हैं या हम लोगों से पूछते हैं कि सर यूएसएमएल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये एएमसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आप समझ रहे हैं गोल पोस्ट शिफ्ट किसे करना कहते हैं? तो ये चीज सर देखो सीधी बात ये है, ये चीज हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं, जो बच्चे गए हैं वो कहाँ कंडीशन में खड़े हैं, जो अब जा रहे हैं वो कहाँ कंडीशन में खड़े। तो हमसे एज अ काउंसलर तो नहीं होता कि हम बच्चों को ऐसी जगह जाने दें। मतलब इस फील्ड में जो भी लोग हैं जो कंसल्टेंसी के नाम पे काउंसलिंग कर रहे हैं या फिर करियर कोच के नाम पे करियर एडवाइस कर रहे हैं, वो ना करियर कोच है ना काउंसलर है, मेरे ख्याल से वो प्योरली एक सेल्समैन बने हुए हैं। पहले सपने बेचे एमबीबीएस के नाम पे जब बच्चे प्लस टू में थे, जब बच्चों को पता चला एमबीबीएस के दौरान, तो फिर उनको एक अलग सपना दिखाना सेल्समैन शुरू भी जो हुआ कि वर्ड मतलब होता है एमएलई ना, कर लो। सेल्समैन भी जो वर्ड होता है ना, बहुत जिम्मेदारी वाला होता है। आप किसी को एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसकी डिमांड के हिसाब से, ठीक है? यहाँ पे आप क्या बेच रहे हो किसी को, वो भी उस बच्चे का करियर, जहाँ उसके फ्रेंड्स, करियर अपना रिस्क। सब कुछ, क्योंकि आपने जैसा बोला दे आर फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, इतना ही पैसा होता है, इतने रिसोर्सेज, तो इंडिया में सीट उठा सकते थे, पेड सीट या एक लेवल तक अपना मैनेज कर सकते थे चीजों को, राइट? और अगर आज उनका पैसा तो गया सो गया, आप सोचिए उस बच्चे का 6 साल का कॉन्फिडेंस कितना शैटर होगा। ही विल बी गुड फॉर नथिंग। क्या ऐसा नहीं, अनुज आपने वीडियो में एक चीज आपने बहुत बेहतरीन तरीके से जिक्र किया है कि जॉर्जियन जो यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया में आके 6-6 महीने एक एक साल रह के गली मोहल्ले शहर में अपने कॉलेज का काउंसलिंग कर रहे हैं, क्या अब कंसल्टेंट के साथ साथ कॉलेज या यूनिवर्सिटीज भी आके बच्चों के जो कैरियर के ड्रीम्स हैं उसको तोड़ने का कहीं ना कहीं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगे या उनका भी कंट्रीब्यूशन होना शुरू हो गया? सर देखिए, मैं ऐसे कई इवेंट्स में गया जहाँ जॉर्जिया के टॉप मोस्ट रेक्टर्स, यूनिवर्सिटी के रेक्टर्स थे, वो अपना प्रमोशन कर रहे थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने सिर्फ उनसे एक सवाल पूछा कि सर अच्छी बातें आप प्रमोट कर रहे हैं, वी वेलकम यू एज अवर गेस्ट, बट यहाँ आप हमारे बच्चे को लेके जा रहे हैं, ठीक है? अब सवाल ये आता है, यही सवाल लाइसेंस का हमने उनसे पूछा कि आपकी कंट्री में लाइसेंस कब मिलता है, राइट? उन्होंने बोला नहीं, 6 साल बाद हम बच्चे को राइट टू प्रैक्टिस देते हैं। मैंने कहा प्लीज पहले तो मैं यहाँ आइए आपको क्लियर कर देता हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइट टू प्रैक्टिस एंड लाइसेंस टू प्रैक्टिस। समझिए, एग्जाम्पल मैं बार बार यही कोट करता हूँ कि 18 साल के बाद मेरे पास राइट टू ड्राइव हो सकता है, हर बच्चे के पास, हर पर्सन के पास राइट टू ड्राइव है, बट राइट नहीं, वो ड्राइव करेगा कब? जब उसके पास वैलिड लाइसेंस होगा, तब वो अपनी गाड़ी लेके लाइसेंस। फोर व्हीलर पे एज पर पिनल लॉज आ सकता है लीगली, राइट? पहली बात तो हमें राइट नहीं चाहिए, हमें लाइसेंस चाहिए, ठीक है? तो फिर वो हेवा हेवा है। हमने कहा बताइए लाइसेंस का प्रोसेस क्या है जो आप देते हैं? तो दे एक्सेप्टेड कि हमारा लाइसेंस हम पीजी के बाद देते हैं। फिर
अब मतलब इस चीज को, प्रोसेस को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारा लाइसेंस पीजी के बाद मिलता है फाइनली। फिर लास्ट में वो हमसे पूछे कि सर हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए इस प्रोसेस में, क्योंकि हम किसी को देखते हैं। और हमारे साथ मैंने कहा सर सिंपल है, जैसे दूसरे कंट्री अपने लॉस को अमेंड कर रहे हैं, जैसे फिलीपींस अपने लॉ को अमेंड कर रहे हैं, आप भी कोशिश करिए अपने लॉ को अमेंड करने की। इंटरनली वो भी जानते थे इस प्रॉब्लम को एग्जिस्ट करती है। बोले सर हम लॉ अमेंड नहीं कर सकते क्योंकि यूरोपियन, हम वी आर बाउंड बाई यूरोपियन मेडिकल लॉस, और हम अगर अपना लॉ चेंज करेंगे तो हमारा पूरा सिनारियो शिफ्ट हो जाएगा। मैंने कहा बच्चा मत लीजिए फिर, या तो आप हमारी कंडीशन से आ जाइए, आप एनएमसी को लिख लीजिए। बोला एनएमसी जवाब ही नहीं देती है। तो आप समझ रहे हो पूरे सिनारियो में हो क्या रहा है। जो आपका बंदा, जो आपका कॉलेज का रेक्टर है, जो डीन है, उसके पास इस चीज का जवाब नहीं है कि वैलिडिटी क्या है। जब उनको लॉ पढ़ाया, एक का लॉ उनको पढ़ाया राइट, तो दे वर नॉट एबल टू क्लियरली इंटरप्रेट और आंसर कि हमारे बच्चों पे कैसे एट पार होता है। भाई एट पार है ना, एट पार का मतलब क्या होता है, वहां कोशिश कर रहे थे। तो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस की चीजें इतनी अच्छी नहीं है, नहीं तो रेक्टर के पास या लोगों के पास इस चीज की क्लैरिटी होती। तो जॉर्जियन काउंसलर या कंसल्टेंट जिन बच्चों को जॉर्जिया में भेज रहे हैं और बच्चे यूरोपियन यूनियन के नाम पे जॉर्जिया जाके ज्वाइन कर रहे हैं, लाइसेंस की जब बच्चे बात करते हैं तो उनके सामने एक जूनियर डॉक्टर्स के एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है। तो ये जो नॉर्मल बच्चे हैं जो जस्ट प्लस टू पास किए हैं और पेरेंट्स को कुछ पता नहीं, उसको बस इतना पता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं और मेरा बेटा एक डॉक्टर बनना चाह रहा है, मैं बना दूं किसी अच्छे कंट्री से बना दूं, तो ये जूनियर डॉक्टर का जो सगुफा दिया जाता है कंसल्टेंटों के द्वारा बच्चों को या पेरेंट्स को, ये जूनियर डॉक्टर्स का राइट एंड ड्यूटी क्या है और जूनियर डॉक्टर्स का डेफिनेशन क्या है? सर मैं आपको इस पूरे सिनारियो में जूनियर डॉक्टर का डेफिनेशन ही पढ़ के सुना देता हूँ। जॉर्जियन मेडिकल एक्ट, अ जूनियर डॉक्टर इज अ पोजीशन दैट मे बी ऑक्यूपाइड बाय अ ग्रेजुएट विद अ डिप्लोमा ऑफ अ इंस्टीट्यूशन राइट, ही कैन परफॉर्म अ सब ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन राइट। अब इसमें आता है कि जूनियर डॉक्टर जो होता है उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं, जो आप पढ़ सकते हैं 0.5 में। जूनियर डॉक्टर हैज नो राइट टू मेडिकल प्रैक्टिस एक्सेप्ट फॉर द केसेस वेयर द पेशेंट इज इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन और रिक्वायर्ड इमरजेंसी मेडिकल केयर राइट। जूनियर डॉक्टर इज नॉट अ फुल फ्लेजेड लाइसेंस्ड होल्डर इन अ कंट्री ऑफ जॉर्जिया। वो नेचुरली जब ग्रेजुएट, अच्छा जूनियर डॉक्टर के राइट्स बहुत कर्टेल्ड होते हैं। ही कैन ओनली वर्क इन अ पर्टिकुलर मेडिकल इंस्टीट्यूशन, he can only work under the supervision of a specialist, kind of a words कुछ भी use करें। generally इस case में भी क्या होता है ना, counselors बच्चे को इस तरह से interpret करते हैं कि junior doctor equal to a junior resident, like in India junior resident होता है जब बच्चा MBBS complete कर लेता है तब वो JR-ship में जाता है, which is not at all right। हमारे देश में जो अभी जॉर्जियन एम्बेसी ने भी एक एडवाइजरी दी थी इंडिया में, उस पे भी एक मैं एडवाइजरी पे हम लोग आएंगे, exactly। पहले जूनियर जूनियर डॉक्टर डॉक्टर का जो रेफरेंस दे रही थी कि एमबीबीएस डॉक्टर इक्वल टू जूनियर डॉक्टर, ये उन्होंने एक सिंगल लाइन लिखी है। यू कैन नॉट इक्वेट अ जूनियर डॉक्टर विद एन एमबीबीएस डॉक्टर बिकॉज एमबीबीएस डॉक्टर इज अ पर्सन, इज अ प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल जो अपनी इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस कर सकता है, अपनी ओपीडी कर सकता है, वो अपनी किसी क्लिनिक में काम कर सकता है, उसे किसी सुपरविजन की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, ही इज अ जनरल प्रैक्टिशनर, व्हिच इज नॉट द केस इन जॉर्जिया। जॉर्जिया के केस में एज अ जूनियर डॉक्टर यू हैव वेरी वेरी लिमिटेड रोल्स। क्यों रोल्स लिमिटेड है, क्योंकि आपकी कंट्री वहां पे थी। वो प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि जॉर्जिया हो गया या और भी कुछ कंट्रीज जो है, नाम अपने जॉर्जिया का चल रहा है तो दूसरी कंट्री का नहीं लूंगा। यहाँ पे जनरल प्रैक्टिशनर जीपी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ स्पेशलिस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर का कॉन्सेप्ट होता है राइट। ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है सर, जो जूनियर डॉक्टर का, जो लोगों को जूनियर डॉक्टर बताया जाता है, इट इज नॉट एट ऑल अ जूनियर इंटर्न, इट इज नॉट अ जेआर, इट इज जस्ट लाइक एन इंटर्न जिसके पास बहुत लिमिटेड प्रोविजंस होते हैं। जो हमारे पास, जो मुझे लगता है कि हमारे एक एमबीबीएस डॉक्टर जब इंटर्नशिप में कर रहा होता है 5 साल के बाद, उसको भी यही होता है राइट। अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में होगा तो वो भी अपनी सर्विसेज दे सकता है, लेकिन अगेन उसको भी किसी के सुपरविजन में काम करना पड़ेगा राइट। अगर आप सही में पूछें तो अ जूनियर डॉक्टर इज इक्वल टू अ इंटर्न, एमबीबीएस इंटर्न, नॉट इक्वल टू अ एमबीबीएस डॉक्टर राइट।
एडवाइजरी पे भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। इंडियन एम्बेसी के पहला एडवाइजरी जब आता है उसमें बहुत क्लियर कट लिखा रहता है कि भाई यहाँ पे राइट टू लाइसेंस नहीं है, राइट टू प्रैक्टिस नहीं है, और कोर्स ड्यूरेशन आपका 5-6 ईयर का है, उसके बाद आप एग्जाम देंगे, एग्जाम जॉर्जियन लैंग्वेज में होगा, उसके बाद आपके रेसिडेंसी या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा, उसके बाद आपको स्टेट एक्रेडिटेड एग्जामिनेशन होते हैं उसको पास कीजिएगा, फिर आपका यहाँ पे लाइसेंस मिलेगा। सडनली 6 दिन बाद एक और एडवाइजरी आ जाता है जिसमें उसी चीज को दो तीन चीज, एक तो उसमें ये लिखा जाता है कि जॉर्जियन जो एमबीबीएस डिग्री है, एमडी डिग्री, इक्विवेलेंट टू यूके एंड इंडिया है। दूसरा उसमें जो जॉर्जियन एम्बेसी पहला इंडियन एम्बेसी का जो पहला एडवाइस उसमें जो क्लियर कट था उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, उसमें रूल्स एक्ट सेक्शन 14 सेक्शन 17 लगा दिया जाता है जो बच्चे आर्टिकल ना पढ़ पाए ना कर पाए। पहले मैं इंडियन एम्बेसी का एडवाइजरी पे बात कर लेते फिर आएंगे जॉर्जियन एम्बेसी इंडिया के एडवाइजरी पे। तो क्या इंडियन एम्बेसी जो अपने पहले एडवाइजरी को हटाते हुए या उसको बाईपास करते हुए सेकंड एडवाइजरी को जो कॉम्प्लिकेटेड एडवाइजरी निकाला, तो क्या इंडियन एम्बेसी किसी से बात किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ मिनिस्ट्री से या नेशनल मेडिकल कमीशन से कि जॉर्जिया का जो एमडी डिग्री है आफ्टर एफएमजीएल इक्विवेलेंट टू इंडियन एमबीबीएस है, या फिर जॉर्जियन एम्बेसी को किसी कंसल्टेंट ने ये कंटेंट लिख के दिया और उसने उसको छाप दिया? अगर जॉर्जियन एम्बेसी इस चीज की जानकारी एनएमसी से नहीं लिया एफएमजीएल के बाद के सिचुएशन के बारे में, एफएमजीएल से पहले की एमबीबीएस जॉर्जिया का डिग्री डेफिनेटली इक्विवेलेंट था स्टूडेंट टेस्ट रेगुलेशन पास कर लेने के बाद, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं इंडियन एम्बेसी के जो एडवाइजरी है क्या वो भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहा है, मार्केटिंग टूल्स दे रहा है कंसल्टेंटों को और उन बच्चों के फ्यूचर और करियर खराब करने के विषय में? सर इसमें ये बहुत ही डेलिकेट विषय है और मुझे लगता है कि इस पे बहुत ही मेरे को सेंसिटिवली होके मैं आपको जवाब देता हूँ। इसमें मैं आपको बताता हूँ, हमारा डिस्कशन हुआ इंडियन एम्बेसी यरेवन में एक ऑफिशियल्स, ठीक है, कब हुआ? जब ये जॉर्जियन एम्बेसी की एडवाइजरी आई जो 6 सितंबर को रिलीज हुई थी, राइट? हमने पूछा कि सर इस तरह की एक एडवाइजरी मार्केट में मतलब आई है जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि इंडियन एमबीबीएस इक्वल टू जॉर्जिया एंड एवरीथिंग इज कंप्लाइंट। उन लोगों का सिंपल सा कहना ये था कि सी, हमने अपनी एडवाइजरी दे दी, हमने रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा क्लासिफाई करके दे दिया, उसके बाद बच्चों ने हमसे इंडिविजुअल आरटीआईज भी लगाई और उन आरटीआईज को भी हमने यही लिख के दिया है कि भाई कहीं ना कहीं आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस होता है, जो भी आपको इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन में लिखता है हम कोशिश करते हैं उसको सही सही जानकारी देने का। तो मेरा सवाल ये था कि सर ये तो वन ऑन वन डिस्कशन हुआ, अगर आपको लगता है यू आर इंडियन एम्बेसी एंड यू आर द गार्डियंस ऑफ इंडियन इंटरेस्ट और आज की डेट में आपको भी समझ है कि एनएमसी के रूल्स क्या हैं और जॉर्जिया के रूल्स क्या हैं, Why don't you publish a public advisory, right? और ये जो जॉर्जियन एम्बेसी ने एडवाइजरी दी है इस पे आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, राइट? तो देवा हमें भी अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है जॉर्जियन एम्बेसी ने क्यों ये एडवाइजरी निकाली है, किस पर्सपेक्टिव से एडवाइजरी निकाली है, राइट? इनफैक्ट हमें भी, हमारे लिए भी, हमने भी पढ़ी, हमारे लिए भी सरप्राइज था बिकॉज वॉट दे आर सेइंग इज नॉट एग्जैक्टली वॉट इज प्रैक्टिस इन जॉर्जिया, राइट? फिर हमने पूछा कि एनएमसी से आप क्यों नहीं डिस्कशन करते, तो उनका जवाब था कि एनएमसी हमें प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो बात ये आती है कि क्वेश्चन ये आता है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक एम्बेसी को एनएमसी इतनी आई से इस लेवल तक आ गई कि वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकती या रिस्पॉन्स नहीं कर सकती, राइट? फाइनली देखिए पॉइंट ये, फिर हमने यही बोला कि सर ये बच्चे इनफैक्ट अगर ये पहुंच जाएंगे और इवेंचुअली बाय द टाइम ये रियलाइज करते हैं तो उन बच्चों का फ्यूचर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच आई बिलीव हैज टू बी मच मोर देन जस्ट इंफॉर्मेशन डिसमिनेटर। कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी जरूरत है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। जैसे मैं कहता हूँ फिलीपींस की एम्बेसी ने लिया, राइट, वो भी इंफॉर्मेशन पास कर सकती थी बट उन्होंने क्लियरली बोला कि यहाँ पे गैप है एंड स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू बी कॉशियस। तो हम ये नहीं कह रहे
क्या छापना है क्या नहीं छापना, बट यू हैव टू हैव अ क्लैरिटी कि भाई हमारे इंटरेस्ट में वो है या नहीं है. यू गेटिंग माय पॉइंट सर? जहां तक आपने बोला कि एडवाइजरी पहले थी फिर वो रीओरियंट हुई, नेचुरली थोड़ा अननेचुरल तो था एक एमएससी के लिए, बट उसको अभी क्वेश्चन किस फॉर्म में किया जाए, क्योंकि जो कहीं ना कहीं वर्ड्स के साथ तो ऑब्वियसली उसको प्रेजेंट किया गया था, बट दूसरी एडवाइजरी भी जो थी सर उसका भी जो पर्टिकुलर मीनिंग है अगर किसी भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स की जार्गन्स को उसमें डाला गया, शब्दों को शब्दों से प्ले किया गया, कुछ आर्टिकल्स को ऐड किया गया, थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया कि आसानी से बच्चे ना समझ पाए. पहला एडवाइजरी आसानी से कोई भी बच्चा कर पड़ता है, एक लीटर उसमें सीधे सवाल का दो लाइन में सीधा जवाब था, ठीक है. दूसरे एडवाइजरी में उसको थोड़ा ज्यादा बल्की कर दिया गया जो शायद कॉम्प्रिहेंशन के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो अगर इंडियन एम्बेसी के दोनों एडवाइजरी को देखा जाए, एक मेरे ख्याल से 22 सितंबर 2022 को आया था, दूसरा एडवाइजरी उनका 29 सितंबर 2022 को आया था. दोनों एडवाइजरी में भले शब्दों के साथ फेरबदल हुए हैं, कुछ नए नए चीज में एड ऑन किया गया है, लेकिन दोनों एडवाइजरी को अगर अच्छे ढंग से पढ़िएगा तो जॉर्जिया में लाइसेंस टू प्रैक्टिस है लेकिन आपको 6 ईयर MD प्रोग्राम के बाद नहीं मिलता है. उसके बाद आपको वहां का एक एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद आपका PG या रेसिडेंसी में एडमिशन होता है, फिर उसको क्लियर करने के बाद वहाँ के स्टेट एक्रेडिटेड एग्जामिनेशंस होते हैं, उसको पास कीजिए, उसके बाद फिर आपको लाइसेंस मिलता है. और याद रखिए ये इंग्लिश मीडियम में नहीं होता, ये जॉर्जियन मीडियम में होता है. तो अगर आप जॉर्जिया प्लान कर रहे हैं तो कम से कम लाइसेंस लेने के लिए 9 ईयर्स का, अगर आपका कोई भी गैप कोई भी बैक नहीं आता है तो मिनिमम आप कम से कम 9 ईयर्स वहां पे आपको स्पेंड करना पड़ेगा. इसके साथ साथ एक टेक्निकल चीजें और मैं बता दूं कि NMC जो बात कर रही है अंडर ग्रेजुएट लाइसेंस की बात कर रही है, न कि पोस्ट ग्रेजुएशन लाइसेंस की बात कर रही है. पोस्ट ग्रेजुएशन लाइसेंस ऑलरेडी इनवैलिड है एक्सेप्ट 5 कंट्री. तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लाइसेंस लेके आते हैं, ये भी आपके लिए एक टेक्निकल चैलेंज होंगे. NMC प्लस अंडर ग्रेजुएट MBBS का मांगा है और आप उसको पोस्ट ग्रेजुएशन दिखा रहे हैं विदाउट MBBS लाइसेंस. अब आते हैं एक और जो कंट्रोवर्सी एडवाइजरी या स्टेटमेंट कह लें जो जॉर्जिया एम्बेसी इंडिया ने निकाला. सबसे पहली चीज की अगर जॉर्जिया एम्बेसी जो एडवाइजरी निकाला वो निकाल सकता था अपने कंट्री के रूल्स रेगुलेशन, क्या क्रेडिट आवर है, क्या उसके कोर्स करिकुलम है, क्या कोर्स ड्यूरेशन है, क्या लाइसेंस है, वो सारी चीज लिखने के बाद जॉर्जिया एम्बेसी न्यू दिल्ली ने दो चीज पॉइंट जो हाईलाइट किया था, ये राइट क्या जॉर्जियन एम्बेसी के पास है. क्या फिर मैं वही सवाल दोहराना चाह रहा हूं, क्या जॉर्जियन एम्बेसी NMC से संपर्क किया था, क्या जॉर्जियन एम्बेसी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से संपर्क किया, उसके बाद यह एडवाइजरी निकाला या स्टेटमेंट दिया. उसमें जो लिखा गया है कि जॉर्जियन मेडिकल डिग्री इक्विवेलेंट टू इंडिया है, FMGL के बाद क्या इन्होंने संपर्क किया. दूसरा चीज उन्होंने जो लास्ट पैरा में लिखा है कि जो जॉर्जियन रूल्स रेगुलेशन है, जो भी मेडिकल के वहां पे रूल्स या तरीके हैं, वो NMC के सारे रूल्स रेगुलेशन को फुलफिल करता है. ये जो तो स्टेटमेंट है जॉर्जियन एम्बेसी के द्वारा जो अपने एडवाइजरी में मेंशन किया गया है, तो क्या जॉर्जियन एम्बेसी के पास ये राइट है? ये कोई डिप्लोमेटिक एम्बेसी बिना उस देश के कंसर्न एजेंसी से बात किए कैसे लिख सकता है? ये तो काफी हास्यास्पद है. एम्बेसी कैसे लिख सकती है? वो डिप्लोमेटिक काम के लिए यहां पे आया है कि मार्केटिंग करने आया है? आप डिप्लोमेटिक मिशन चला रहे हैं कि सेल्समैन का यहां पे दुकान खोल के रखें कि जो मन आया वो लिख दें? अगर जॉर्जियन एम्बेसी के पास जो इंडिया में जो निकाला गया, अगर हेल्थ मिनिस्ट्री ने उनके पास कोई ऐसा नोटिफिकेशन या ऐसा कोई क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया हो जिसके आधार पे ये कहा जा सके कि हर चीज को कंप्लाइंग कर रहा है, हर चीज को फुलफिल कर रहा है, एमडी जॉर्जियन एमडी MBBS इक्विवेलेंट टू इंडिया है या NMC का है? जब NMC इंडियन एम्बेसी को रिप्लाई नहीं कर रहा है तो जॉर्जियन एम्बेसी को कहां से रिप्लाई कर दिया? मुझे फिर लग रहा है कि कहीं ना कहीं जॉर्जियन एम्बेसी के जो काउंसलर या जो क्लर्क लेवल के काम करने वाले लोग हैं फिर उस बहकावे में आ गए जो जॉर्जिया में करने वाले अपने आप को सोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कहीं जवाब तो देते नहीं है लेकिन गली मोहल्ले में घुस घुस के एम्बेसीज में घुस घुस के एडवाइजरी निकाल रहे हैं. तो जॉर्जियन एम्बेसी के एडवाइजरी पे जो भी मैंने कहा इस पे अगर आप कुछ अपनी राय रखना चाहें कि जॉर्जियन एम्बेसी के एडवाइजरी कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है,
तो और भी क्लियर हो जाए। एडवाइजरी बिल्कुल एक आयल से अ जोक ऑफ द आयल से डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में बोल सकता हूँ। जो पहली बात सेल्फ प्रोक्लेम करना और इस लेवल तक करना कि वी आर फुल्ली कंप्लाइंग द रूल्स, आई मीन मुझे लगता है किसी काउंसलर की लैंग्वेज भी हो सकती है। आई मीन राइट, एम्पैथी हैज टू बी बिल्कुल वेरी सेंसिटिव, इट हैज टू बी बैक्ड बाय रूल्स रेगुलेशंस। ये तो बिल्कुल क्लियर कट था कि भाई सी, उन्होंने देखो चार जगह इस एडवाइजरी में गुफअप किया, मैं आपको बताता हूँ। राइट, और पहले मैं ये भी बता देता हूँ कि जब ये एडवाइजरी आई थी उसके बाद हमने उनको लिखा, मैंने शायद अपने वीडियो में भी दिखाया कि हमने चार क्वेश्चन समझाए उनको कि सर हो सकता है आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिली हो, मे बी शायद आपको इंफॉर्मेशन सोर्स, बट आप हमें बताएं कि इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है, पर्सपेक्टिव है। इनफैक्ट हमने उनसे टाइम भी मांगा, चार बार हमने उनको पूछा सर टाइम दीजिए, और भी लोगों ने, दे नेवर रिस्पॉन्डेड। आप समझते हैं कि एक एम्बेसी को इतना बड़ा आप दे रहे हो और उसपे कहीं ना कहीं गैप है। देखो गैप क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गैप है चार चीजों को। जैसा आपने पहला आपने ही बोला कि एम्बेसी ने एडवाइजरी दे दी, बट हाउ कैन दिस सेल्फ प्रोक्लेम, क्या उन्होंने एनएमसी को लेकर इससे वैलिडेट किया? मुझे नहीं लगता एनएमसी ने इसको वैलिडेट किया होगा। ठीक है, दूसरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि वहां पे वो लोग कहते हैं कि हमारा जूनियर डॉक्टर वाली बात बोलते हैं। राइट सर, आप मुझे बताइए दुनिया में कोई भी एक ऐसी कंट्री, एक भी कंट्री ऐसी बता दीजिए जहां डबल लाइसेंसिंग होता होगा। राइट, ऑलवेज अ सिंगल लाइसेंस ना भाई, मेडिकल प्रैक्टिस में एक ही लाइसेंस होता है, तो लर्निंग लाइसेंस, प्रैक्टिस बिल्कुल परमानेंट लाइसेंस तो होगा नहीं। राइट, जब जॉर्जिया में आपको लाइसेंस मिल रहा है आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये अंडर ग्रेजुएशन लाइसेंस की क्या लीगल सैंक्टिटी है? राइट, पॉइंट नहीं, अंडर ग्रेजुएट लाइसेंस की तो वहां पे व्यवस्था ही ही नहीं नहीं है। है, वही तो मैं बोल रहा हूं। तो ये दो लाइसेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? जूनियर डॉक्टर का बेसिक जो प्रीमाइस है वही गलत है। राइट, तीसरा सवाल जो इसमें बिल्कुल गलत किया, इन्होंने बोला कि भाई एक जो स्टूडेंट है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ जॉर्जिया ग्रेजुएट्स ऑफ एमडी प्रोग्राम हैव द राइट टू बी एम्प्लॉयड एज अ जूनियर डॉक्टर दैट मे बी ऑक्यूपाइड बाय एमडी ग्रेजुएट। भाई फिर अगेन वही बात आ गई कि एम्बेसी शैल नोट द डिफरेंस बिटवीन द राइट टू प्रैक्टिस एंड द लाइसेंस टू प्रैक्टिस। राइट, मैंने वही समझाया ना, राइट होना और लाइसेंस होने में डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं आप एमएससी बिल्कुल होकर एडवाइजरी दे रहे हो, आपके एफएमजे रूल है, अभी भी आप राइट ऑफ प्रैक्टिस की बात कर रहे हो। राइट, चौथा इन्होंने बोला कि हमारा एमबीबीएस डॉक्टर इज इक्वल टू अ जूनियर डॉक्टर। अगेन, किस फैक्ट, किस आधार, कौन सा जॉर्जियन लॉ को आप किस लेवल तक उसको समीकरण बैठा रहे हो? राइट भाई, आपके जूनियर डॉक्टर को अपनी कंट्री में प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं है, वो एक लिमिटेड रोल में, एक सुपरविजन में ही काम कर सकता है। वो यू गेटिंग अ पॉइंट, मतलब कोई भी प्रोसीजर वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता, कोई भी प्रोसीजर। राइट, ही हैज टू बी अंडर द स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप कैसे ये बात बोल रहे हो? राइट, सो क्वेश्चन मार्क सर इसी चीज का है कि इतने बड़े बड़े लूप होल्स जब आपकी एडवाइजरी में हैं और जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, तो हमें नहीं लगता कि कॉन्शियसली इस एम्बेसी को इस तरह की लिखनी चाहिए थी। दिस लुक्स लाइक अ मार्केटिंग प्रोपागेंडा कि कुछ भी करके, पता है मैं हो क्या रहा है, मैं आपको एक्चुअल रियलिटी बताता हूँ, शायद उससे जॉर्जिया के कंसल्टेंट्स मेरे से इत्तेफाक रख पाएंगे। सबको लगता है कि आज बच्चे को भेजो, शायद स्कूल चेंज हो जाए, शायद को सरकार बदल जाए, भारतीय जनता पार्टी की जगह कोई दूसरी, प्रॉब्लम मैनेजमेंट चेंज हो जाए एनएमसी का, और शायद ये एफएमजीएल रेगुलेशन जो है ये खत्म हो जाए, तो उस केस में आज अपना पोटेंशियल लॉस क्यों करो? अगर आज हम 500-700 5,000 बच्चा जॉर्जिया भेज रहे हैं और आज नहीं भेजते, क्या पता। बट वो ये नहीं सोच रहे कि भाई ऐसा नहीं होता। राइट, ये चीजें सिंपल नहीं होती, उस अजम्पशन पे आप एक ने बोला मुझे कि जब लौट के आके अगर 10 बच्चे कोर्ट केस करेंगे तो क्या फायदा होगा, लेकिन अगर हाँ 2,000 बच्चे लीगल कोर्ट केस करेंगे तो एक नेशनल इशू बन जाएगा, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि उनको कोर्ट से कंसेशन मिल जाए। आप ये बताइए चौबे सर, जब उन बच्चों को रिलैक्सेशन नहीं मिला जो एफएमजीएल के दायरे में आते नहीं थे, फिलीपींस वाले, बिल्कुल उनका एजुकेशन छोड़ छोड़ के आने पड़ा, तो इस समय तो सामने रूल ब्लैक एंड व्हाइट में लिखे हुए हैं। एम्बेसी के एडवाइजरी है नहीं, सर, अगर अगर इस तरह से अगर कोई कंसल्टेंट या एजेंट सोच रहा है कि 20 या 20,000 बच्चे कोर्ट में चले जाएंगे तो उनके फेवर में डिसीजन आ जाएगा, उनकी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। क्योंकि आपको उस डिसीजन को, जो सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन बेंच का डिसीजन है अरविंद आर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या एनएमसी,
उसको जरूर पढ़ना चाहिए आपको, तब ये जो दिमाग में आपका जो कीड़ा चल रहा है कि 20,000 बच्चे या 30,000 बच्चे कोर्ट केस करेंगे, तो ये चीजें सलट जाएगी या सुलझ जाएगी। अगर ये भी समझ में आपको नहीं आ रहा है तो 2002 का एक केस जरूर पढ़ लीजिएगा, उस समय भी तकरीबन ये नंबर्स, 2002 की बात कर रहा हूँ, ये नंबर्स तकरीबन 6 से 8 हजार था, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, गूगल पे केस अवेलेबल है, रशियन डॉक्टर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें पढ़िए, उसके फैक्ट और ऑब्जर्वेशन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले समय में 30,000 भी डॉक्टर्स आके, स्टूडेंट आके अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उनके कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद आर वर्सेस के केस में जो कहा है, उस केस को देखते हुए, उस केस का जो प्रेसिडेंस है, जो प्रेसिडेंट है उसमें जो ऑर्डर है, उसके आधार पे आप किसी भी हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आपको जब भी जाना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट में डिविजन बेंच का डिसीजन है, और आप 3 बेंच के डिसीजन में कैसे जाएंगे, आपकी मैटर कितनी सीरियस है, आप किसी वकील से बात कर लीजिए। अब एक सवाल आएगा इस वीडियो को देखने के बाद, बच्चे आपसे भी पूछेंगे, मुझसे भी पूछेंगे, कि मैंने 2021 से लेके 2024 तक कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया, किसी का थर्ड ईयर है, किसी का फोर्थ ईयर है, किसी का फर्स्ट ईयर होगा, किसी का सेकंड ईयर होगा, तो उनके मन में आएगा अब मैं क्या करूं, जब जॉर्जिया एग्जैक्टली एफएमजीएल फुलफिल नहीं करता है तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? सर इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। आज भी इनफैक्ट अब एक बच्ची का फोन आया, अब वो सेकंड ईयर पढ़ चुकी है, वहां पे 10 लाख 15 लाख जो भी लगा चुकी है, अब शी वॉज की शी कॉल मी इवनिंग कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या बोलूं उसको कि तू क्या कर, राइट? तो फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम स्पीचलेस। हाँ, मैं ये जो कर सकता हूँ उनके लिए कर सकता हूँ जो जाने वाले हैं, जो आज वीजा लेके फ्लाई करने वाले हैं, कि भाई आप, आपको और भी हम लोग ये कर सकते हैं, हम आपको उन बच्चों से कनेक्ट करा सकते हैं, आप उनकी पेन समझ लीजिए कि उन्होंने ऐसा आज क्यों किया। वो छोड़ छोड़ के आज कोई बीएससी कर रहा है या कोई इंडिया में फिर से एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, 1.5 साल पागल नहीं है कोई बच्चा, 1.5 साल के बाद वापस आना करना, उसने बहुत R&D की होगी, बहुत सब इंश्योर करके, देन दे वुड हैव कम बैक। हम क्या कर सकते हैं, ये हम कर रहे हैं, हमें पता है इसके लिए हमें बहुत बैकलैश मिलता है। मुझे इस वीडियो के बाद कई सारे स्ट्रॉन्ग कॉल्स भी आए हैं कुछ लोगों के, जिन्होंने मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश की, आप ऐसा कर रहे हैं, ये गलत है, और ऐसा मत करिए, आपके लिए सही नहीं होगा, व्हाटएवर। बट ठीक है, अपने को चीजों से अंतर नहीं पड़ता। तो आपका जो सवाल है इस पे, तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं ये डिसीजन बच्चे के ऊपर ही छोड़ूंगा कि वो अपनी सिचुएशन अपने से... नहीं, अगर चलिए एज ए काउंसलर, एज ए एक्सपर्ट थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं मैं, एज ए पेरेंट्स आप क्या बोलेंगे? मैं अपने बच्चे को बुला लेता, मेरा बहुत क्लियर कट। सर देखो, मैं बैलेंस्ड आदमी नहीं हूं कि ये भी सही है ये भी सही है, इसको भी हाँ बोलो इसको भी हाँ बोलो, तो मेरा बहुत क्लियर कट चीज है, इसलिए मुझसे बैलेंस तो नहीं हो पाता है कि भाई ये भी कर लो ये भी कर लो, कुछ एक ही हो सकता है। जब रूल्स तुमको पता है, एफएमजीएल पता है, सारे तुम्हारे कंसल्टेंट, तुम्हारे मिनिस्ट्री के पास कोई जवाब नहीं है, जो बच्चे तबलीसी में है वो जाके हेल्थ मिनिस्ट्री में पता करें, जो बच्चे तबलीसी में है एम्बेसी में जाए, उनको समझ में नहीं आ रहा है तो इंडियन एम्बेसी के ऊपर लीगल नोटिस दे और पूछे कि आपके एडवाइजरी के बिहाफ में मुझे ये दिस डेट कंसल्टेंट ने भेजा है, अब आप मुझे बताइए कि क्या ये डिग्री इंडिया में 6 ईयर के बाद वैलिड होगा। आपने तो अभी तक यहां पे एग्रीमेंट दिया है कि कंसल्टेंट से साइन करवाओ, मैं उसमें ऐड किया कि उसके ऑनर से साइन करवाओ और उसके पासपोर्ट की कॉपी लो, उसके पासपोर्ट पे उसके परमानेंट एड्रेस कहाँ का है उसकी कॉपी लो, और साथ ही साथ एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि हर बच्चे जो एडवाइजरी के बिहाफ पे पढ़ने गए हैं वो उस कंट्री को, कंट्री में जो इंडियन एम्बेसी है उसको, और जिस कंसल्टेंट के थ्रू गए हैं उसको, अपने डिस्ट्रिक्ट के वकील से मिले, किसी को फॉर्मेट चाहिए, लीगल नोटिस में क्या पूछना है मैं भी डाल दूंगा, उसको उठाइए, अपने वकील से बोलिए, एम्बेसी को दे और आपके कंसल्टेंट को दे कि आपने किस आधार पे ये कह के भेजा था कि आप जब पढ़ के आओगे 6 साल बाद तो आपका डिग्री वैलिड होगा। 6 साल से पहले ही मुझे लग रहा है कि डिग्री वैलिड नहीं है, उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हो। जो बंद कमरे में आने से पहले जो आप काउंसलिंग दे रहे थे, अब जो लंबी लंबी बातें बता रहे हो, उसके बाद तो तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो जब मैं आ गया जॉर्जिया। तो और ये किस्सा जॉर्जिया का नहीं है, तमाम देशों में ऐसे ही चीज चल रहा है, जब जब उस पर पॉडकास्ट होगा तो उस पर बातचीत होगी।
तो फाइनली अगर आपसे मैं पूछूं, जो बच्चे फ्लाई कर रहे हैं 2024 सेशन के लिए जॉर्जिया में, उनके लिए आपका आखिरी मैसेज, इतने वीडियो, इतने एडवाइजरी, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स के बाद, आप अगर एक नॉर्मल भाषा में बताना चाहें कि बच्चों को क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना सर, चाहिए? मेरा बिल्कुल क्लियर जवाब है, बच्चों को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं जाना चाहिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ, आप लॉज पढ़ लीजिए, आप एम्बेसी को खुद लिख लीजिए। आपको बार बार तीन कुछ चीज़ों पे कंफ्यूज किया जाएगा। फिर से पहला बोला जाएगा कि ये सब तो न्यूज़पेपर, ये पेड आर्टिकल्स, ऐसा बोला जाएगा, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि तो उसके पीछे भी काफ़ी फैक्ट रिसर्च दी हुई है। दूसरा आपको बोल नहीं, इसको नहीं, अनुज भाई इसको भी क्लियर कर दीजिए कि बच्चे इसको कैसे वेरीफाई करें कि ये पेड आर्टिकल है, ये एडवर्टाइजमेंट है। आप सीधा जॉर्ज, आप आरटीआई रिप्लाईज पढ़िए। देखिए, एम्बेसी ऑफ जॉर्जिया जो इंडिया है ना, वो इंडियन नेशनल्स की नहीं है। उनका इंटरेस्ट इंडियन नेशनल्स को प्रोटेक्ट करना नहीं है, इंडियन नेशनल के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का जिम्मा बनता है इंडियन एम्बेसी इन इंडियन जॉर्जिया। नंबर्स, दे आर द राइट पीपल हु आर राइट इंडियंस, उनका एक कनेक्ट है अपने देश के लोगों के साथ। तो जब आप इस पर्सपेक्टिव को, क्योंकि आज भी बच्चों को सिर्फ एडवाइजरी दिखाती कि ये तो सरकार की एडवाइजरी है, और मैं आपको बता देता हूँ सर, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में किसी एडवाइजरी की क्लियर सैंक्टिटी नहीं है। आप ये एडवाइजरी लेके कोर्ट में बाद एडवाइजरी में नहीं जा सकते। नोटिफिकेशन और ये सरकार, एफएक्यू, और ये जो एम्बेसी ऑफ बिल्कुल जॉर्जिया है, तो वैसे भी लीगल फाउंडेशन में नहीं आती है हमारे अंदर, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल हमने कितनी बार देखा है एडवाइजरी गायब हो जाएगी थोड़े दिनों बाद, ये सेम लिंक अपडेट हो जाती है। हमने और आपने कई बार कई एम्बेसी के साथ देखा है, राइट? तो ये बिल्कुल चीज बहुत सीवियर है, ये बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है। तो मैं वही बोलूंगा कि मेरी, हमारी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, अगर आप जा रहे हैं आप फिर से सोच लीजिए, आपकी हालत उन बच्चों जैसी नहीं होनी चाहिए। आप रूल्स को समझ लीजिए। आज भी आपको तीसरी बात पे कंफ्यूज किया जाएगा कि दिस इज नॉट लाइसेंस, दिस इज रजिस्ट्रेशन। ये बार 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 बार, और मुझे नहीं समझ में आता, अगर ये रजिस्ट्रेशन ही होता तो फिलीपींस 2 साल से खाली क्यों बैठा होता? अगर ये रजिस्ट्रेशन होता तो चाइना बच्चा क्यों नहीं जा रहा होता, या कम जा रहा है? अगर ये रजिस्ट्रेशन होता तो बाकी कंट्रीज में, मलेशिया और मॉरिशियस ने क्यों मना कर दिया कि वी डोंट अलाउ फॉरेन नेशनल्स टू बी। नेपाल में तो आपको इंटर्नशिप में टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन नेपाल मिलता में है। नेपाल में लगभग आपने 50 50% वहां पे एडमिशन कैंसिल हो एडमिशन, गए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप और हम कितने बच्चों को जानते हैं जो पढ़ के आज एडमिशन कैंसिल करा रहे हैं अपने 20-20 लाखों की? नेपाल में तो कैंसिल करा रहे पहली हैं। इंस्टॉलमेंट 40% फीस की चली जाती है। यू गेटिंग अ पॉइंट? ये रजिस्ट्रेशन का शगुफा बिल्कुल देना मुझे लगता है बिल्कुल निहायती गलत है। गलत तो मैं बहुत सॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, निकृष्ट है, राइट? कंसल्टेंट या बिल्कुल काउंसलर से भी मैं बोल रहा हूँ, प्लीज आप किसको धोखा दे रहे हैं? सिर्फ आप उस बच्चे की जगह अपने बच्चे को रख लीजिए, और ये यूएसएमएल का लॉलीपॉप मत दीजिए। आप ये सोचिए मेरा बच्चा है, ठीक है? और तो और, अगर आप नहीं भी उस लेवल तक सोचते, आपको पैसा ही परमेश्वर है, या आप उस लेवल तक इमोशनल हैं अपनी मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स के लिए, तो बच्चे से बोलता हूं, आप भूल जाइए अनुज गोयल या दीपेंद्र सर, होपकास्ट या कौन, आरटीआई क्या है, आप सीधा अपने कंसल्टेंट से ही बोल दीजिए, सर ये कागज का टुकड़ा है, एफिडेविट है, एग्रीमेंट, आप पक्का एग्रीमेंट साइन कर लीजिए, करके तो देखिए। मैं बता रहा हूँ गारंटी से वो साइन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब वो नहीं नहीं करेगा करेगा, ना नहीं सर, करेगा, वो नहीं नहीं करेगा, करेगा, नहीं वो करेगा। नहीं लिखेगा अपनी डिटेल उसके अंदर, नहीं गारंटी लेगा, नहीं लेगा तो बात खत्म। जब आपका बंदा ही नहीं गारंटी ले रहा तो उस एजुकेशन का फायदा ही क्या? आप क्यों जा रहे हो वो एजुकेशन करने? बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट के आखिरी में, सभी जो पेरेंट्स इसको देख रहे हैं या जो बच्चे देख रहे हैं, अगर आपके काम के लायक अगर ये पॉडकास्ट लगा हो तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा। और जाते जाते आपसे मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप फ्लाई नहीं किए हैं और फ्लाई करने के इंतजार में हैं, अगर आपको ये एग्रीमेंट मिलता है तो अपने कंसल्टेंट या काउंसलर से दोबारा एक बार संपर्क जरूर कीजिएगा, और उसके दफ्तर में या उसके ऑफिस में जाके उससे जरूर कोशिश कीजिएगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को वो साइन करे। अगर वो साइन करने में हिचकिचाता है या थोड़ा भी नजरअंदाज करता है, तो वहीं से आपकी फ्यूचर की जो कहानी है, जो सपनों की बागडोर है, वो सिमटना और टूटना शुरू हो जाएगा। तो जॉर्जिया के अगर कंक्लूजन में कहा जाए, तो जॉर्जिया अगर आप प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस के लिए, तो अगर आपका कोई भी बैक ईयर या कभी फेल नहीं हो रहे हैं, तो 9 ईयर्स के बाद आपको वहां पे लाइसेंस मिलेगा। 6 ईयर का जो लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन का सगुफा है, वो गलत है। जूनियर डॉक्टर एक बस झुंझुना है जो आपको दिखाया जा रहा है, जहां तक आप बजा सकते हैं बजा लीजिए, जिस दिन टूटेगा फिर दोबारा आपके पास कोई दूसरा झुंझुना या दूसरा खिलौना नहीं आएगा।
तो ये था, और अनुस ने आपने बहुत बेहतर तरीके से जॉर्जिया के ऊपर बात रखी, और जॉर्जिया के ऊपर अगर इंडिविजुअली आरटीआई, उसके जो एक्ट है आर्टिकल 5 क्या है, आर्टिकल 17 क्या है, आर्टिकल 10 क्या है, आर्टिकल 14 क्या है, और जॉर्जियन एम्बेसी या इंडियन एम्बेसी के एडवाइजरी क्या क्या कब कब किस किस डेट में आया है, वो दोनों वीडियो अनुज ने भी बना के रखे हैं उनके गेट माई यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा, मेरे होप कंसल्टेंट के चैनल पे भी अवेलेबल है। और ये होपकास्ट का सिर्फ मतलब था कि ओवरऑल एक कन्वर्सेशन हो, एक बातचीत हो, जो हमारे गाँव से या घर से या अगल बगल से जो वो मिडिल क्लास हमारे भाई या हमारे ऐसे रिलेटिव जा रहे हैं जिनको पता नहीं है, वो समझ सकें और फिर डिसाइड करें कि उनको सच में एमबीबीएस अब्रॉड किसी कंट्री में भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप पहली दफा इस चैनल पे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, जिससे कुछ बच्चों का जीवन तो बच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।